क्या आप जानते हैं कि खुद गर्ज इंसान की क्या निशानी है? करवट लेकर सोने वाले लोग कैसे होते हैं? क्या आपको पता है कि अगर कोई लड़की अफसुरदा हो लेकिन रोए ना तो इसका क्या मतलब होता है? जो लोग ऐनक लगाते हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी खूसियत होती है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए केटीवी नॉलेज। आप पूरे दिन में उस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं जब आप शैम्पू कर रहे होते हैं। काउंटडाउन आपके दिल की धड़कन को तेज कर देती है। फास्ट म्यूजिक आपको एक्साइटेड कर देता है। 35% कायदाना सलाहियतें पैदाइशी होती हैं। सुरख रंग को मनफी पहलू से मुनासबत दी जाती है, इसलिए अक्सर मोबाइल फोन के अंदर कॉल रिजेक्शन के लिए रेड कलर का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अपने ख्वाबों को पूरा होते देखकर इमोशनल लोगों की आंखें भीग जाती हैं। क्या आपको पता है कि कुछ लोग जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं? इसको एक्टिव ड्रीमिंग का नाम दिया जाता है, जो कि डीप इमेजिनेशन की वजह से होती है। खुद गर्ज इंसान की निशानी है कि वो अपनी कामयाबी की बातें हर वक्त करता रहता है। साइकोलॉजी बताती है कि जो लोग ग्लासेस लगाते हैं वो अक्सर ज़हीन होते हैं। प्रोफेशनल ड्रेस या यूनिफॉर्म के अंदर आप हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जो लोग लॉन्ग साइड पर या फिर करवट लेकर सोते हैं वो अक्सर सोशल होते हैं। आप आंखों से किसी के रवैये और किरदार को परख सकते हैं। अगर कोई लड़की अफसुरदा हो लेकिन रो ना पाए तो इसका मतलब होता है कि वो दिल के आंसू रो रही है, मतलब उसका दिल टूटा है। तो आपने किस किस का दिल तोड़ा है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।